स्वागत है यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस में आप सबका। मैं हूँ मुकद्दस इनामदार। जैसे कि आप लोगों ने देख रहे थे, महानगर पालिका बीजापुर महानगर पालिका के चुनाव के चलते आज हम पहुँचे हैं 25 नंबर वार्ड में। जो AIMIM के कैंडिडेट हैं, जो विन हुए, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वार्ड नंबर 25 से मैं जीत का हूँ, यमाम पार्टी से। और बहुत बहुत शुक्रिया ये वार्ड के छोटे बड़े बुजुर्ग सब भी, मेरे बहना भाना मावा सब बेटियाँ सब मिल को मेरी मदद करे। मैं वार्ड नंबर 25, मेरे नौजवान बच्चे सी पकड़ को, छोटे बच्चे सी पकड़ को मेरा साथ दिए और पूरा 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 वार्ड मेरा साथ दिया। सबका शुक्रिया, जमात का शुक्रिया और मेरे साथ जो जो हैं नहीं हैं उनका भी शुक्रिया। अब हम इस वार्ड के जो इनके तरफ से यहाँ पे प्रचार किए हैं और अब जो वार्ड की जिम्मेदारी है अब ये ले रहे हैं, अब उनसे बात करेंगे हम। जो यहाँ के वार्ड के जो कामों के बारे में है हम उनसे बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं, मेरा नाम से संबानी पीरा हाशमी है। वार्ड नंबर 25 के जो उम्मीदवार थी हमारी सुफिया वाटी, MIM से कामयाब हो चुकी हैं और जो है यहाँ के तमाम मोहल्ले के तमाम रहने वाले, वार्ड नंबर 25 के तमाम जिम्मेदारों ने जो है इनका पूरा साथ दिया है और इनको जो है कामयाब बनाने में पूरा हाथ जो है पूरे मोहल्ले का और जमात का और तमाम नौजवानों का और यहाँ की तमाम ख्वातीन का इसमें इनका साथ है। सर, अभी जो वार्ड के जो यहाँ के वार्ड के हालात हैं, जैसे चार लेट से गुजरते हैं तो हकीम चौक तक जो एक एरिया है, एरिया में डेवलपमेंट का बहुत सी प्रॉब्लम है, जैसे कि रोड, ड्रेनेज, पानी। अब उसमें ही आपका वार्ड आता है, वार्ड नंबर 25, इसको लेकर आप आगे आप क्या सोचेंगे, मतलब उसका काम आप कैसे करेंगे? इंशाल्लाह ताला अभी तक जो मेम्बरान जो है ना सिर्फ भरोसा दिलाते आए हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। इंशाल्लाह ताला हमारे जो वार्ड नंबर 25 से जो मोहतरमा सुफिया वाटी चुनकर आई हैं, ये सिर्फ वादा नहीं, ये वादा निभाएंगे, क्योंकि इंशाल्लाह ताला ये वादा उनका नहीं, ये हमारा है। जो कुछ भी अभी यहाँ पे रोडें वगैरह जो नज़र आ रही हैं, इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द जो है ना इसकी सूरत हाल बदलेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम इनामदार। मैं मोहतरमा सुफिया वाटी साहिबा को मुबारकबाद देता हूँ और तमाम मोहल्ले वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इनको वोट डालकर कामयाब किया और इनके घर वालों को और इनके बेटे अफरोज़ वाटी, उनका मैं मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह जो भी आगे काम है मोहल्ले के, जो भी जैसा 24 घंटे का पानी है 24 आवर्स और ड्रेनेज का है, रोड के मसले हैं, इंशाल्लाह बैठ के उसका हल करेंगे इंशाल्लाह। तमाम नौजवान साथी हैं जिन्होंने इलेक्शन में उनका भरपूर वक्त लगाया और किया और वोट दिया और सभा और हमारे गौस भैया इनामदार इनका और बाकी के सभी साथी जितने भी हैं बड़ों का और नौजवान जो भी हमारे साथी हैं उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह ऐसे भी आगे भी सब मिलके करेंगे, ये इरादा रखते हैं इंशाल्लाह। सर जैसे जैसे आपकी जीत है, आपकी जो यहाँ पे जीत से जो आपके अपोजिशन थी, यहाँ पे BJP भी थी, कांग्रेस भी थी, आम आदमी भी थी, इसमें आपका जो मतलब जो फाइट था वो किस तरह से था? आपको क्या उम्मीद थी आप जीतेंगे या आप फाइट में चांस मिलने के बाद आपकी जीत हुई? और असद साहब की जो यहाँ पे एक आमद थी वो आके स्पीच देके गए, क्या आप उसके बारे में क्या कहना चाहते? ऐसा तो अवेसी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो भी आए। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972959599 और 8050828793। जितने भी हमारे मोहल्ले के सभी नौजवान बड़े हमारे सब मिलकर जो अपने ये दिखाए तो उसकी वजह से आए और बाकी के भी उनका भी मैं ये करता हूँ कि वो भी अच्छी लीड लेके आए, जैसे कांग्रेस है,
और JDS है, BJP है और आम आदमी पार्टी भी है, वो भी अच्छा फाइट की। चलो जीतना तो एक, जीतना हारना तो एक इसकी बात है, और जो जीता वो उनको मुबारक है, जो नहीं जीता तो बेस्ट ऑफ लक आगे की वजह से। तो इंशाल्लाह जो भी काम है वो मिलजुल के करेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि आपने 25 नंबर वार्ड के अपडेट देखे, इसी तरह के ज़्यादा अपडेट्स के लिए देखिए यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.